नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो भारत में सभी ने कभी ना कभी तो खाई ही होगी। तो हम आज करने वाले हैं पोहे, जो है बहुत ही सरल बनाने के लिए और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हो सकता है और सभी जगह ये इंग्रेडिएंट्स उपलब्ध है। तो मैंने ये इस बर्तन में 4 मुट्ठी जाड़ा पोहा लिया है। हम जाड़े पोहे से ही बनाते हैं पोहे। तो 1 मुट्ठी इतनी होती है, अगर तो एक आदमी खाएगा तो आप समझिए कि 1 मुट्ठी लेना है। तो इस हिसाब से मैंने 4 मुट्ठी ली है पोहे। अब मैं इसको भिगोऊंगी। अब पानी में मैंने इसको भिगोया है और 1 मिनट के लिए मैं ऐसे रखूंगी, फिर मैं जो पानी है उसको निकाल दूंगी पूरी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको भिगोया है, लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसे ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे हल्का हल्का होना चाहिए। अब इस भिगोए हुए पोहे में मैं थोड़ी हल्दी डाल दूँ, करीबन 1/2 टेबलस्पून हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। अब मैं हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा भी पानी नहीं है। पोहे में नमक डालते समय आप थोड़ा ध्यान से डालें, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ही खारे हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे में ये पोहे और हल्दी और नमक मिक्स करके हो गए हैं। तो मैं इसको अभी बाजू में रखूंगी और मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक लिया हुआ है जो मैं चालू करूंगी। इसमें मैंने पोहे करते वक्त आप थोड़ा ज़्यादा तेल इस्तेमाल कीजिए, इसलिए मैंने इसको 2 और 1 चम्मच 3 टेबलस्पून इसमें तेल लिया हुआ है। अब तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी। इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे। मैंने अभी इसमें जीरा डाला है, आप चाहिए तो इसके बजाय आप राई भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 4 से 5 कड़ी पत्ता के पत्ते डालूंगी और 1 बड़ी हरी मिर्च काट। इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। हमें कुछ भी जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का ये करना है, घुमाना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा इसको हिला लिया है और मैं अब इसमें एक बारीक कटा हुआ छोटा प्याज डाल रही हूँ। अब हम तब तक घुमाएंगे जब तक ये प्याज भून ना जाए। पोहे जो होते हैं वो प्रोबायोटिक होते हैं, यानी कि आपके पेट में वो अच्छे बैक्टीरिया तैयार करते हैं, इसीलिए पचन में बहुत ही अच्छे होते हैं और इसमें फाइबर भी होता है और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ये ग्लूटेन फ्री रहते हैं, इसीलिए किसी को अगर एलर्जी है ग्लूटेन की
तो ये वो लोग इसको खा सकते हैं। और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नियंत्रण में रखते हैं, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सकते हैं। इसमें आयरन की मात्रा भी अच्छी होती है और वेट लॉस वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी अगर आप बराबर प्रोपोर्शन से खाएंगे पोहे लिमिटेड तो अच्छे होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये प्याज है वो भून रहा है और ये एक ऐसा नाश्ता है पोहे कि आप एक वक्त सुबह या फिर शाम बना के खा सकते हैं। अब ये प्याज भून गया है और अब मैं इसमें एक बड़ा आलू जो उबला हुआ है पहले से ही डालने वाली हूँ। ये आलू को मैं थोड़ा फ्राई करूंगी ताकि ये थोड़ा क्रंची रहे। आपको थोड़ा इसको हिलाते रहना है नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पहले से ही तैयार हुए पोहे हैं उसको उसको मिला देंगे। ये देखिए अभी अच्छे से मिल गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि पोहे अच्छे से मिक्स हो गए हैं और मैंने गैस को कम कर दिया है। और अगर आपको चाहिए तो आप अगर आपको लगता है कि नीचे लग रहे हैं वगैरह तो आप थोड़ा और तेल बाजू से डाल सकते हैं और फिर से उसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये लगभग हो गए हैं लेकिन मैं इसको 2 मिनट भाप पे रखूंगी और फिर सर्व करूंगी। दो मिनट हो गए हैं और ये पोहे एकदम अच्छे से भाप में पक गए। तो मैं अब बाउल में इसको निकालूंगी। देख सकते हैं कितना अच्छा हल्का पीला रंग आ गया है। इसको आप धनिया और ग्रेटेड कोकोनट जो रहता है उसे आप गार्निश कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और उतना ही पौष्टिक। और खाते वक्त आप उसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं फिर इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।